देख रहे हो इस लैपटॉप का दिक्कत क्या है, विंडोज़ 8 है तो क्या दिक्कत आ रहा है अब देखेंगे। और एच पी का लैपटॉप है और इसका जो मॉडल है आप देख सकते हो 1000 का मॉडल। ये दिक्कत कि विंडोज़ ऑन होने से इतना टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। ऐसा कुछ होता है कि विंडोज़ लोगो दिखा के अटक जा रहा है या टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपको क्या करना है चाहिए इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसको जब करना है आप जो यहाँ पे टाइम लगेगा, तो अब जो करना है इसको विंडोज़ करना है, ठीक है। तो नॉर्मल है, इसका विंडोज़ कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको विंडोज़ करने का बूटेबल पेंडर चाहिए, ठीक है। और पावर बटन का इसका जो बूट मेनू है F9 में है इसका बूट मेनू, तो थोड़ा बंद नहीं हुआ है लैपटॉप, लैपटॉप पूरा बंद हो गया है, लाइट चला गया। अब इसको पावर बटन प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करेंगे क्योंकि F9 में इसका बूट मेनू, ठीक है। तो ये देखिए इसका हार्ड डिस्क है और ये हमारा पेन ड्राइव है, तो इसको बूटेबल तो है मेरे पास, अभी इसको इंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बूटेबल पेन ड्राइव में आ गया है, अभी पूरा लोडिंग ले रहा है और ये जब तक रेडी हो जाएगा वो लैपटॉप वो पूरा फास्ट हो जाएगा। आप वीडियो में रहेंगे तो ज़रूर देख लेंगे, ठीक। ये 1000 मॉडल है, बहुत सेल हुआ था ये वाला जो मॉडल है और बहुत काम का ये मॉडल है, ठीक है। पार्टी बोल रहा है कि 1.5 साल 2 साल के बाद ये ऑन हो रहा है, तब भी ऑन हुआ, तो दूसरा कुछ मॉडल होगा तो ये डेड कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। ये बढ़िया मॉडल है इसका। तो कैसे विंडोज़ करेंगे तो आप दूसरा वीडियो में जो है वो तो है। थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा कीबोर्ड या टचपैड में कोई दिक्कत है, तो भी विंडोज़ करने के बाद मैं चेक कर लूँगा पूरा, ठीक है। थोड़ा टाइम तो लगता ही है यार। तो ये वाला अल्टीमेट देखिए, थोड़ा कीबोर्ड में कुछ दिक्कत है, ठीक है। इसलिए जो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो माउस में जब टच कर रहा हूँ ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो कोई कीबोर्ड का कोई बटन शॉर्ट है इसलिए ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो काम नहीं कर रहा सही से क्योंकि कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस हुआ है, ठीक है। तो कौन सा बटन प्रेस है पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे कौन सा बटन शॉर्ट है ये ढूंढना पड़ेगा। तो स्किप कर दिया हूँ, मैं थोड़ा काम करता हूँ कीबोर्ड को, मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, तो ये HP 1000 का लैपटॉप है, तो इसका जो है इसका कीबोर्ड में दिक्कत है, ठीक है। तो कैसे इसको कीबोर्ड को रिप्लेस करते हैं वो आज हम दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले जो इसका है, इसका लैपटॉप को पहले ओपन कर लेना है और फिर इसका जो बैटरी है बैटरी को रिमूव करना है। बैटरी के रिमूव करने के बाद यहाँ पे देखिए एक स्क्रू है, तो यहाँ पे
कर दिया है। और यहाँ पे कीबोर्ड का जो स्क्रू है, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का स्क्रू इधर से लगा है। अगर जब तक ये स्क्रू नहीं खोलेंगे तब तक वो कीबोर्ड जो है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्क्रू रिमूव कर दिया हूँ। तो कितना कीबोर्ड है यहाँ पर, यहाँ पे लॉक होता है। आप लॉक से सही से नहीं ओपन करोगे तो बॉडी डैमेज हो सकती है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लॉक है, अगर लॉक को नहीं देख के ओपन करते हो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये इसका कीबोर्ड है, देखिए बाहर आ गया। और पीछे से जो स्क्रू खुला है ये इसका हिंज है। अगर ये स्क्रू नहीं ओपन करता हूँ तो ये कीबोर्ड है ओपन नहीं होगा। तो ये मेरे पास कीबोर्ड है इसका, तो धूल मिट्टी अभी साफ कर देते हैं। तो इसका जो कीबोर्ड है मेरे पास अभी है, तो मेरे पास कीबोर्ड का स्टॉक है। कीबोर्ड जो कोई भी लैपटॉप का है, इसका जो है मेरे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला पुराना कीबोर्ड है। ठीक है, और ये वाला जो है नया कीबोर्ड है। तो इसको लगाएंगे और शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इसको कीबोर्ड को नहीं लगाएंगे, पहले पूरा चेक कर लेंगे। तो कीबोर्ड लॉक हो गया, पूरा स्क्रू नहीं टाइट देंगे। अब बाहर से हम इसको चेक कर लेंगे, बाद में फिट कर लेंगे। तो चलाने के लिए बैटरी तो लगाना ज़रूरी है। तो इसका विंडो 7 कर देना है। कीबोर्ड जो है सही काम कर रहा है। आपको यहाँ पे F9 प्रेस करना है, F9 में बूट चला जाएगा। बट देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क है और यहाँ पे पेन ड्राइव है, तो हमको पेन ड्राइव से सिलेक्ट करना है। अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने जब किया था ये विंडोज़ का, तो इसमें अटक जा रहा था, मतलब उस टाइम काम नहीं कर रहा था। तो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए ये वाला काम नहीं कर रहा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो कीबोर्ड में मैंने किया, आप लोग वीडियो से पता चल जाएगा। और देखिए आपका टच में सही से काम कर रहा है, पहले क्या रहा है कि टच में काम करने नहीं कर रहा था। जब नया कीबोर्ड लगाया तब ये पूरा काम कर रहा है। तो नेक्स्ट में पूरा देखेंगे कि क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा था, मतलब जो विंडोज 7 स्टार्टर लिखा है इसमें अटक जा रहा था, नीचे में नहीं आ रहा है, कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा है। अब देखेंगे कि क्या काम करेगा। हमको जाना है विंडोज 7 अल्टीमेट में, अगर इसमें सिलेक्ट हो जाता है तो ये कीबोर्ड में 100% प्रॉब्लम था। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया है। तो 100% उस कीबोर्ड जो है पुराना वाला कीबोर्ड में उसमें दिक्कत था। ठीक, अब नेक्स्ट और टच में सही से काम कर नहीं कर रहा था क्योंकि कीबोर्ड में दिक्कत था। तो अब देखिए नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट भी हो जाएगा। ठीक है, देख सही से काम कर रहा है। तो कीबोर्ड का कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो मेरा वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कीबोर्ड में कैसा दिक्कत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
और इसका जो करेंगे या पूरा डिलीट कर देंगे, जो नया कंडीशन में लैपटॉप जो रहता है पूरा टोटली फेस हो जाएगा, वायरस वगैरह जो भी कुछ है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक, चकाचक कम करें, ज़्यादा स्पीड भी ज़्यादा हो गया पहले से। पूरा क्लीन कर दिया हम, या फिर 320 का लगाए के 320 का ही हार्ड डिस्क है। तो अभी जो सी ड्राइव कर देंगे, 100 GB कर देंगे सी। देखो कीबोर्ड में सही काम कर रहा है। ठीक है, तो लैपटॉप में प्रॉपर पार्ट्स अगर सही है तो प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, अगर कोई गलती होगा, मतलब कोई पार्ट्स में दिक्कत होगा, तो दिक्कत तो ही बड़ा होगा, हैंगिंग प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा। और ऐसा जो कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, तो ऐसा प्रॉब्लम तो सही से नहीं मिलता है, आइडेंटिफाई भी नहीं होता है, तो दिक्कत भी होता है। तो अगर लैपटॉप सर्विस करने में आए तो अब आपका कोई एक्सपीरियंस होगा लैपटॉप में, तो आप जल्दी से पकड़ सकते हो कि क्या दिक्कत है। तो ऐसा प्रॉब्लम आ गया, सॉफ्टवेयर करेंगे, कुछ भी कर लोगे, रैम बदल लो, हार्ड डिस्क लगा लो, SSD लगा लो, तब भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो था इसमें कीबोर्ड का दिक्कत था। ठीक है, अभी देखो जल्दी से ये विंडोज हो जाएगा। तो इसका विंडोज अभी रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा काम है लगा के चला जा रहा हूँ, 2-5 मिनट में बाहर से घूम के आता हूँ थोड़ा। तो अभी देख रहे हो कि 1% आ गया है, तो होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और विंडोज कंप्लीट होने के बाद देंगे। अभी तो मैं इसको पॉज कर दूंगा। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि इसका जो लैपटॉप है पूरा रेडी हो गया है, विंडोज कंप्लीट हो गया है, और ये सही से वर्किंग कर रहा है। ठीक है, देखिए विंडोज भी चेंज कर दिया और नया कीबोर्ड लगाया है, और हैंगिंग वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी एक बार रिस्टार्ट करूँगा, रिस्टार्ट करके आप लोग देख सकते हो तो क्या दिक्कत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने रिस्टार्ट किया, तो शटडाउन होगा, शटडाउन से फिर ऑन होगा, तो कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा आप लोग देख सकते हो। बंद हो गया पूरा, अब ऑन होगा। ठीक है, तो वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, बीच बीच में कट करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, इसका AMD ग्राफिक्स है, AMD में ग्राफिक्स का पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया आता है। फटक से ऑन हो गया, नहीं तो उस टाइम क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोगो अटक जा रहा था, बहुत टाइम के बाद ये ऑन हो रहा था, तो अभी जो फटक से ऑन हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वॉचिंग करने के लिए मेरा वीडियो धन्यवाद, आप लोग।